छत्तीसगढ़ जिला बालोद के अंतर्गत ग्राम रानी तरई में माह जुलाई से एक ही शिक्षक के भरोसे पर स्कूल चल रहा है। स्कूल में 39 बच्चे अध्ययनरत है। मेरा नाम चंद्रकांत है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला रानी तरई, अभी एक टीचर है। तो एक टीचर रहने से पढ़ाई होती है? ढंग से नहीं हो पाता। क्यों ढंग से नहीं हो पाता? क्योंकि एक टीचर है, वो दूसरे क्लास में जाते हैं, तो हमारे क्लास में कोई नहीं रहता पढ़ाने के लिए, इसलिए। तीन टीचर हैं यहाँ पर, उसमें से जो प्रधान पाठक है वो अभी मेडिकल कोर्स में है, और श्रीमती कुलदीप मैडम है वो अभी मातृत्व कोर्स में। अपने यहाँ दो कक्ष है और तीसरा कक्ष जो है वो बरामदे में लगता है, कक्षा 5वीं। क्या एक दो कक्ष एक साथ रहते हैं तो वहाँ कुछ काम दे देते हैं, फिर दूसरे कक्ष में चले जाते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। तो कुछ तो अब बच्चे लोग अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको भी पता है कि एक ही शिक्षक अभी है। और जैसे सरकारी कोई काम आने से? सरकारी काम आना है तो करना ही पड़ता है, उसको तो डाक बनाना ही है, देना रहता है उसको, जल्दी से बना कर। ऐसे परिस्थिति में आपका बच्चों का क्या होता है? बच्चे तो जो कर रहे हैं वो करते रहते हैं, क्लास में नहीं जा पाते, समय नहीं दे पाते उनको, तो डाक बनाना पड़ता है। और छुट्टी होने के बाद जाते हैं डाक वगैरह देने के लिए, क्योंकि बच्चे को तो छोड़ नहीं पाता ऐसा है। कभी कभी जल्दी से मंगाया जाता है, मगर मैं अभी भी एक भी दिन ऐसा नहीं किया कि स्कूल बंद करूं और जाऊं, ऐसा नहीं। मीटिंग वगैरह में गया हूं, ऊपर से आदेश रहता है कि अभी आज इतने बजे बैठक करके, तो उस बैठक में विद्यालय को बंद करना पड़ता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम कानून के तहत शिक्षक की व्यवस्था हो। जिला शिक्षा अधिकारी श्री यश के भरद्वाज का नंबर है 9425243013। इस नंबर पर कॉल करें और दबाव बनाएं। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़ इंडिया अनहर्ड के लिए।